नौजवान आदमी की शादी होती है, उसकी सेहत खराब होती है या अच्छी होना शुरू हो जाती है, हालांकि उसकी तवानाई पहले से ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। अब हकीम लोग तो डरा देते हैं, वो कुछ खुल के बात कर लूं मैं थोड़ी सी, हकीम लोग, एक हकीम साहब कह रहे थे ये जो स्पर्म का एक कतरा है ये खून के 100 कतरों से मिलके बनता है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर एक दफा जब इंसान डिस्चार्ज होता है तो कम से कम 100 बोतलें तो खून की पहले से इंतजाम उसको करना चाहिए। जो हकीम छोड़ू ना हो ना वो उसकी क्लिनिक चलती नहीं है, उसका मतलब चलता ही नहीं है। मैंने बस 100 बोतलें तो फिर खून की पहले से इंतजाम, शादीशुदा आदमी को चाहिए कि जौजा के पास जाने से पहले कम से कम 100 बोतलें इंतजाम करें। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो। जो चीज भी नेचुरल होती है, जो फितरत ने रखी है, वो हमेशा सेहत के लिए मुफीद होती है। जिन इलाकों में ज्यादा शादियों का रिवाज है ना मर्दों में, उन मर्दों की उम्रें लंबी होती हैं। लोग कहते हैं ये अरब लोग जो है ना इतने बुड्ढे बुड्ढे 90-90 साल की शादियां कर रहे होते हैं, ये याश है। मैंने कहा भाई 90 साल का होके भी उसमें इतना दम है, ठीक है, इतना दम है।